राज्य सरकार के विशेष विकास निधि और कल्याणपुर विधानसभा के विधायक गणपत कायकवाड़ के प्रयासों से कल्याणपुर में विविध जन सुविधा के कामों का भूमि पूजन किया गया। कोल से वाड़ी, कोटे मनावली, चिंचपाड़ा से लेकर आशाले मनेवर तथा द्वारली पाड़ा आदि परिसर में विधायक गणपत कायकवाड़ ने अनेकों विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल्याणपुर के विकास के लिए विशेष निधि मंजूर की है। इसी कड़ी में शनिवार को विधायक गणपत कायकवाड़ ने विविध ठिकानों पर जाकर रास्ते, गटर, नाली आदि काम का भूमि पूजन किया। सबसे पहले प्रभाग नंबर 92 गणेशवाड़ी परिसर में 25 लाख की निधि से रास्ते का कॉन्क्रीटीकरण करने के लिए भूमि पूजन किया गया। प्रभाग नंबर 100 तिसगांव गांव गठान स्थित मंगल मूर्ति सोसाइटी में 10 लाख की निधि से नाली और पेवर ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। इस तरह शनि मंदिर परिसर में गटर और पेवर ब्लॉक, चिंचपाड़ा, हनुमान नगर, कैलाश नगर में रोड कंक्रीटीकरण, गार्डन का सुशोभीकरण, आशाले मनेवर गांव में अलग अलग जगहों पर RCC रोड, सीमेंट रोड, गटर और पेवर लगाने का काम का उद्घाटन किया गया। कल्याण ईस्ट में आज करीबन 12 कामों का उद्घाटन किया गया है और 12 जगह पे उद्घाटन में जो जो लोगों को सुविधा चाहिए, सही मायने से बहुत जगह पे ऐसा बोला जाता है कि विधायक गटर और जो पैदल चलने वाले रास्ते वही बनाते हैं, लेकिन आज लोगों को गटर और जो छोटे रास्ते हैं उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटे रास्ते और गटर, इसके वजह से बीमारियां, पानी रुकता है वहाँ पे, गंदगी फैलती है और उससे लोगों में बीमारियां फैलती है। इसलिए नगर सेवक को जो फंड आता है वो बहुत कम आता है और उस वजह से मैंने सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इन्होंने मेरे मतदार संघ में करीबन 65 करोड़ रुपए का निधि दिया हुआ है। आज गार्डन और ग्राउंड बना नहीं सकते क्योंकि उसके लिए जो जगह चाहिए वो जगह हमारे यहाँ पे नहीं है और उस वजह से जो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं है वो सुविधा देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और आने वाले समय में हर वार्ड में ऐसे उद्घाटन होंगे और हर वार्ड के नगर सेवक को, उधर के लोक प्रतिनिधि को हम साथ में लेके सब काम करते जाएंगे।